मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी। आज हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग निश्चित रूप से डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में। तो देखो बच्चों, स्पीड का एक जनरल सा फॉर्मूला, छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ के आते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहूंगा। मान लीजिए आपका वन डाइमेंशनल मोशन है, आपका ये रेफरल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, किसी भी रास्ते से बंदा यहां पहुंचा, आपने इसकी डिस्टेंस मेजर कर ली। इस डिस्टेंस को सपोज आपने डेल्टा डी कह दिया। यहां पे टाइम टी वन था, यहां पे टाइम टी टू था। अब ये आपकी वॉच के ऊपर डिपेंड करता है, जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मॉर्निंग में 10:10 पे आपने अपनी जर्नी शुरू की और आपकी जर्नी जो है वो 11:20 पर फिनिश हो गई, तो भैया ड्यूरेशन कितना हो गया? ड्यूरेशन हो गया 1 hour 20 minutes का, जिसको मैं एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करके लेके आऊंगा सेकंड्स में। तो 1 hour का मतलब 60 minutes, 60 minutes का मतलब 60 seconds, प्लस ये 20 minute है, इसको मैं लिखूंगा 20 multiplied by 60 seconds। इस तरह से मेरा ये टाइम आ गया, ठीक है। तो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, जबकि डेल्टा टी क्या था? डेल्टा टी था मेरा टी फाइनल, जिसको मैंने यहां पे टी टू कहा था, माइनस टी इनिशियल। इस टी इनिशियल को मैंने टी वन कहा था। तो बच्चों फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 hour 20 minutes आ गया। इस 1 hour 20 minutes को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया और सेकंड्स में कन्वर्ट करके मैं अपने फॉर्मूले में यूज कर पाऊंगा। ऐसे ही जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करके यूज कर पाऊंगा। मेरा जनरल फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस ओवर टाइम। आपको स्पीड समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करना चाहेंगे यस। तो बच्चों ये हमारा 10:10 था और ये हमारा 11:20 था, तो ये हमारा 1 hour 20 minutes नहीं, क्या होगा? 1 hour 10 minutes होगा। कॉन्सेप्ट वही हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करने का। तो जो 1 hour है हमारा, इस 1 hour को मैं लिखूंगा 60 मिनट, 60 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा सेकंड्स आ गया 1 hour के लिए। अब जो 10 मिनट है उनको सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा, तो 10 into 60। इस तरह से मेरा इस पूरे क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा? डेल्टा टी आ जाएगा बच्चों इन सेकंड्स। तो मुझे यहाँ ऐसा ही सिस्टम में ही मेजरमेंट लेना है। तो खैर मेरा समझाने का पर्पस था, एक 10:10 में से 10:10 को 11:20 में से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा क्या आया? 1 hour 10 minutes। अगर मान लो यहाँ पे 11:30 होगा तो ये आ जाता 1:20, डजंट मैटर। मुझे फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को घटाना है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है और यहां फॉर्मूले में टाइम टेकन की जगह पे डालना है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू स्पीड। अब स्पीड के आगे हम लोग चलते हैं, तो स्पीड जो है वो पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव बच्चों नहीं होता। इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई सिस्टम में यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें जो अभी हम लोग पीछे की क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, तो देखो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होगी, फॉर्मूले से ही निकल के आ जाता है हमारा, क्या निकल के आया था? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस को मैं m0 l1 t0 से रिप्रेजेंट करता हूं और टाइम को मैं करता हूं m0 l0 t1 से। अब बच्चों इनको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं डायमेंशन फॉर्मूले के फॉर्म में। मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया m0 -0 l1 -0 और टी 0 -1। जब डिनोमिनेटर से ऊपर जाते हैं हम, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो हमारा ये माइनस का साइन लग जाता है, सबको पता है। सॉल्व किया m0
एल वन टी माइनस वन। तो यहां बच्चों मैंने डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है एम जीरो एल वन टी माइनस वन। तो इस तरह से स्पीड के लिए डायमेंशंस मेरे को मिल जाते हैं। तो ये चीज आप पहले पढ़ चुके हो कि कैसे निकालनी होती है डायमेंशन। तो आई होप आपको और क्लियर हो गया होगा। यूनिफॉर्म स्पीड, देखो बच्चों तीन तरह की स्पीड का कॉन्सेप्ट यहां पे है। तीनों तरह की स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल में ट्रेवल करता है, मैं ऐसे कह सकता हूं कि ट्रेवल्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम का हमेशा कॉन्स्टेंट रहना क्या कहलाता है मेरा? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अगर मैं उसको जो टाइम लगा है उससे डिवाइड कर दूं और ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहे एक जैसा रहे तो दैट विल बी टर्म्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहां उल्टा है वेरिएबल स्पीड का कॉन्सेप्ट। अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही है इक्वल इंटरवल्स में, उल्टा भी हो सकता है। इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही है अनइक्वल इंटरवल्स में, कहने का मतलब जो मेरा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी का रेशियो है अगर वो बार बार चेंज हो रहा है हर बार अलग अलग आता है दैट विल बी टर्म्ड एज वेरिएबल स्पीड। एवरेज स्पीड इनिशियल और फाइनल जो भी मेरी पोजीशंस हैं उनके बीच में मैंने कुछ भी कंसीडर नहीं किया, सिर्फ पाथ लेंथ को टोटल टाइम से मैंने डिवाइड कर दिया दैट इज एवरेज स्पीड। एग्जाम्पल के लिए आप सुबह घर से निकले किसी भी रास्ते से स्कूल जाने के लिए, बीच में दो मिनट रुक गए अपने एक दोस्त के यहां, अगले पांच मिनट खड़े हो गए आप बस स्टैंड पे, फिर आप स्कूल पहुंच गए। तो आपको इस बात से मतलब नहीं है कि अलग अलग जगह पर आपकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही थी नहीं हो रही थी क्या हो रहा था, बस आपको यह देखना है इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आप इसे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट देखें। तो बच्चों ये आगे फॉर्मूला हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है, ये फॉर्मूला आप एक बार देखेंगे एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल ट्रेवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम निकाल। अब है इंस्टेंटेनियस स्पीड, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के लिए नया भी हो सकता है। बच्चों देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर जैसा मैंने अभी बताया आप अपने घर से चले स्कूल के बीच में आपके दोस्त का घर आ गया, यहां आप दो मिनट के लिए रुक गए, फिर आप बस स्टॉप पे पहुंचे यहां बस नहीं आई तो पांच मिनट के लिए रुक गए, फिर जैसे ही बस मिली आप बड़ी तेजी से स्कूल पहुंचे। तो देखो बच्चों यहां पर आपकी स्पीड क्या थी, यहां पर स्पीड क्या थी, या यहां एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी स्पीड क्या थी, इसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला लिखा v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, इसका मतलब ये मैं दो मिनट भी नहीं लीजी मैं तो एक सेकंड के लिए देख रहा हूं, यानी छोटे से टाइम के लिए मैं देख रहा हूं। तो डेल्टा t टेंस टू जीरो dx ओवर dt, मैं ऐसा मान रहा हूं कि x एक्सिस पे मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इसलिए dx लिखा, चेंज इन distance at x axis over dt small change in time that will be termed as instantaneous speed। तो particular किसी समय पर particular किसी छोटे से time interval में जो आपकी speed थी उसे कहते हो instantaneous speed। देखो बच्चों आपके स्कूटर या कार में जो मीटर लगा होता है घूमता है या डिजिटल होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है, जैसे रेड लाइट पे आप खड़े हो गए तो स्पीडोमीटर बिल्कुल जीरो पे आ जाता है जीरो स्पीड। आप अगर हाईवे पे चल रहे हैं कभी स्पीड ज्यादा होती है कभी कम होती है तो स्पीडोमीटर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। दूसरा होता है ऑडोमीटर, बीच में जो ब्लॉक्स चलते रहते हैं
और यहाँ पे लिखा होता है सपोज 2, 3, 5, 9, 6 किलोमीटर यहाँ साथ में, तो ये जो डायल है बीच में जो डिजिट आती है ये ऑडोमीटर कहलाता है और ऑडोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल को दिखाता है, जबकि जो सुई है घूमने वाली जो ऐसे करके घूमती है यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50 या whatever, 220, तो जब ये पॉइंटर मेरा डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट शो करेगा तो दैट विल शो इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों ये ऊपर वाला इसको कहते हैं स्पीडोमीटर, जो हमने यहां पे लिखा है स्पीडोमीटर, और नीचे वाले को बोलते हैं ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। और स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अब इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला यहां हमने रखा है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम देगा। अब डिफरेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड है, मान लीजिए एस वन है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन करता हूं, मान लीजिए एवरेज स्पीड आप निकालना चाहते हैं तो अलग अलग इंटरवल्स में आपने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल की, पहले किसी इंटरवल में एस वन डिस्टेंस ट्रेवल की, दूसरे इंटरवल में एस टू की, तीसरे इंटरवल में एस थ्री की, ऐसे ही सपोज आपने एस एन की, पहला इंटरवल टी वन था, दूसरा इंटरवल टी टू था, तीसरा इंटरवल टी थ्री था, तो देखो जितने भी इंटरवल्स हैं उन सबको अगर ऐड करते चले जाओगे तो ये तो टोटल टाइम आ जाएगा, और जितनी भी डिस्टेंसेज आपने अलग अलग ट्रेवल की हैं सबको ऐड कर दोगे तो ये टोटल क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को अगर आप टोटल टाइम से लगा दोगे तो ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ऊपर एज इट इज रखा, अब नीचे जो है वो टी वन टी टू टी थ्री को मैंने अगेन डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम यहां से निकाल दिया है, तो टाइम इक्वल्स टू बच्चों मेरे को मिल जाता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैंने टी वन टी टू टी थ्री की वैल्यूज को एस वन अपॉन वी वन, एस टू अपॉन वी टू, एस थ्री अपॉन वी थ्री इस तरीके से डाला हुआ है। स्पेशल केस, अगर हर बार सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो आप सीधे सीधे यहां पे टू एस डाल सकते हैं, या मान लीजिए चार बार का केस है तो फोर एस डाल सकते हैं, तो यहां दो बार के केस को रखा है तो टू एस ओवर दोनों का टाइम। इस तरीके से आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यहां बच्चों मिल जाता है। एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है, इसको सॉल्व करो, उल्टा कर दो तो 2v1v2 over v1 plus v2 आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, चलिए एवरेज स्पीड को लेकर के पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी जीरो,
बच्चों डाइमेंशंस और वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहां फर्दर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, देयर इज नो चेंज। देन आफ्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट एज वी हैव डन फॉर स्पीड। तो बच्चों यहां यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स अलग होंगे। इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए बच्चों, तभी मैं इसको कह सकता हूं। ऐसा नहीं है कि एक बार वो जो है ना नॉर्थ डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ले लिया, फिर साउथ में ले लिया, फिर वेस्ट में ले लिया, ऐसा नहीं है। सारे डिस्प्लेसमेंट्स नॉर्थ में ही होने चाहिए, ठीक है, तो ही मैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कह पाऊंगा। इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में हो रहा है तो दैट विल बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो है वो बार बार चेंज हो रहा है, बार बार बदल जा रहा है, तो दैट विल बी वेरिएबल वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर नेट टाइम अगर मैं कंसीडर करता हूं, दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज को लेकर के, बस डायरेक्शन आपने देनी है। फर्दर दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर अपनी वेलोसिटी बता रहे हैं, यानी आप स्पीड के साथ अपनी डायरेक्शन भी बता रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं यहां लेता हूं, बड़ा मजेदार सा एग्जांपल बच्चों आपके सामने होगा, वही स्कूल और घर। ये घर से आप जो है कहां जा रहे थे, अभी घर से जा रहे थे आप स्कूल, क्या स्कूल से घर आ रहे थे, जल्दी बताओ बच्चों, आप घर से स्कूल जा रहे थे या स्कूल से घर आ रहे थे। चलिए आप जो है स्कूल से घर आ रहे थे, यहां बस स्टॉप है। अब स्कूल से घर जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये थी। अब अगर घर से होम से स्कूल आ रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये थी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मुझे ये डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अगेन मैं बिल्कुल एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, जिसको डेल्टा टी ड्यूरेशन कह रहा हूं, और डेल्टा टी ड्यूरेशन मस्ट बी वेरी स्मॉल, जिसको मैंने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो यहां पे बच्चों कहा हुआ है। दैट इज रिगार्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑलमोस्ट द सेम थिंग। यूनिफॉर्म मोशन, अगर मेरा इक्वल टाइम इंटरवल्स इक्वल डिस्टेंस को करस्पॉन्ड कर रहे हैं तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होंगे वो मैं अभी यहीं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बोर्ड के ऊपर ही। द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन, मैंने ओरिजिन कहां चूज किया हुआ है इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा मेरा यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैं इनिशियल पॉइंट यहां ट्रीट कर लूं या इनिशियल पॉइंट यहां ट्रीट कर लूं या इनिशियल पॉइंट यहां ट्रीट कर लूं, डजंट मैटर। यूनिफॉर्म मोशन में जो चॉइस ऑफ ओरिजिन है इसका कोई भी फर्क नहीं होता। इसके बाद मैं बात करूंगा The velocity in uniform motion does not depends on the choice of time interval. Time interval मैंने सुबह 10 बजे से लेकर के 10:20 तक जर्नी की थी या 12 बजे से लेकर के 12:20 तक मैंने जर्नी की थी, doesn't matter। यानी इन दोनों चीजों के ऊपर uniform motion मेरा depend नहीं करेगा बच्चों। एक straight line के across ही मुझे हमेशा बात करनी होगी। Velocity is positive if object is moving towards right टू ओरिजिन, ये बात मैं अभी आपको 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने कि मान लीजिए मेरा ये एक ओरिजिन कॉन्सेप्ट है, अगर मैं राइट की तरफ चलता हूं दैट इज राइट, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी बच्चों पॉजिटिव होगी। अगर मैं लेफ्ट में चलता हूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव होगा, कहां से कंसिडर करूंगा, यहां से कंसिडर करूंगा, वेलोसिटी भी मेरी नेगेटिव होगी।
अगर मैं दूसरे एक्सिस की बात करता हूं ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलता हूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी भी मेरी पॉजिटिव होगी। जस्ट लाइक यहां अगर मैं नीचे की तरफ चलता हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा एज वेल एज वेलोसिटी भी मेरी बच्चों नेगेटिव होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। यूनिफॉर्म मोशन के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। बच्चों मैंने यहां बता चुका है कि इस चैप्टर में हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी इस बात को मैं कंसीडर ही नहीं करना कि मोशन क्यों हो रहा है। तो मोशन के पीछे जो कॉज है वो क्या है, कोई फोर्स है, तो उस कॉज के बारे में हम लोगों को यहां पे नहीं पढ़ना है। इवन दैट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कोई फोर्स हमें लगाना भी नहीं पड़ता, या हम ये कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में जो नेट फोर्स होता है किसी भी बॉडी के ऊपर वो क्या होता है बच्चों, जीरो। देन आफ्टर यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन की तीसरी खासियत बच्चों ये है, यहां जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। देन आफ्टर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कॉन्सेप्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों क्या होता है कि जो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो है वो अलग अलग होगा बच्चों, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। अब जब हम रेशियो की बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन को भी हमें कंसीडरेशन में लेना होगा। अगर मेरी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि 3 किलोमीटर ओवर 1 आर, पहली इवेंट, दूसरी इवेंट 3 किलोमीटर पर अगेन इन 1 आर, दोनों में ही रेशियो सेम है, तो यहां यूनिफॉर्म स्पीड तो हो गया। लेकिन मैं कहता हूं 3 किलोमीटर इन 1 आर टूवर्ड्स नॉर्थ और यहां कहता हूं 3 किलोमीटर इन 1 आर टूवर्ड्स वेस्ट, तो बच्चों दोनों केसेस में डायरेक्शन अलग अलग है, तो एग्जैक्टली दिस फिगर इज नॉट इक्वल टू दिस वन फिगर। हैंस वाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी टर्म लिया, इस इवेंट को मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नाम ही दूंगा। चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद में एक हम लोग यहां क्वेश्चन करना चाहेंगे और इस क्वेश्चन के बाद में भी आज की छुट्टी कर रहे हैं। चलिए देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन करते समय सबसे पहली हमारी जरूरत यह होती है कि हम उस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ें। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे एक डायग्राम या तो हम अपनी दिमाग में बना लें बच्चों, या तो फिर हम लोग वो डायग्राम अपनी कॉपी में बना लें, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। बच्चों एक बात ध्यान रखें, अगर मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं, कोई भी डिस्कशन में ले रहा हूं, अगर मैं उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब मेरी थ्योरी कहीं कमजोर है। जनरली अभी तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2 महीने बाद मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि सर हमारे बच्चे को थ्योरी तो सारी आती है लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठता है तो अटक जाता है। बच्चों क्वेश्चन करते समय अगर आप अटक गए, आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो 2 ही रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन जो ज्यादा बच्चों के साथ होता है, थ्योरी क्लियर नहीं है। दूसरा रीजन, आपकी थ्योरी क्लियर थी, फॉर्मूला आपने सही लगाया, लेकिन आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में कहीं गलती कर गए। तो देखो बच्चों, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की गलती जो है वो निश्चित रूप से आपको अपने आप या अपने मैथ्स के टीचर की हेल्प से सुधारने की कोशिश करनी है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को मैं यहां सुधार दूंगा, बड़ा एक नॉर्मल सी बात। चलिए तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे मैं अपने दिमाग में या अपने कॉपी के ऊपर एक डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद फिर मैं उसको सॉल्व करने की बात करता हूं। चलिए एग्जांपल नंबर 1, इन फिगर ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। देखो बच्चों, अगर उसने फिगर दे दी तो ये मान लो कि आपका 1/4 काम हो गया, क्योंकि जो मैं भी कह रहा था कि फिगर मुझे बनानी है अपने दिमाग में या कॉपी पे, वो तो उसने ले लिया, तो 1/4 काम हो ही गया। फिर भी मैं इसकी फिगर आपको शो नहीं करता, जैसे वो कह रहा है वैसे एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, फिर उसको मैच करूंगा। चलिए ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। मैंने एक सर्कुलर पाथ ले लिया, इसकी रेडियस आर कह दी, अब इसमें क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है अभी कुछ भी नहीं बताया उसने। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और एंटी क्लॉकवाइज
वो करना शुरू कर दिया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल नंबर वन मूव्स फ्रॉम ए टू बी। अब ये ए तो उसने कहा है लेकिन बी डायग्राम के ऊपर उसने दे रखा है, मुझे नहीं पता, चलो मैं अपनी मर्जी से यहां पर बी ले लेता हूं। दूसरा है ए टू डी, अच्छा दूसरा है ए टू सी, अब सी भी मुझे नहीं पता, मैं सी भी अपनी तरफ से ले लेता हूं। फिर है डी, मैं अपनी तरफ से डी भी ले लेता हूं। अब देखो आंसर्स मेरे मैच नहीं करेंगे क्योंकि डायग्राम मैंने अपनी मर्जी से बनाया है, उसका यूज नहीं किया। अगर वो अपना डायग्राम देता है तो उसी का डायग्राम हमें यूज करना चाहिए बच्चों। फिर भी हम डिस्कस करते हैं, वो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, वो हमसे पूछा है डिस्टेंस। क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से इसमें हमें एक्चुअल पाथ कवर्ड लिखना है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट पूछता, पूछा है जी ये रहा डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, तो हमें अलग बताना था। खैर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसका डायग्राम डिस्कस करता हूं जो उसने दे रखा है। बाकी जो मुझे अपनी तरफ से डायग्राम बनाना था, कैसे बनाना था, वो मैंने बना के दिखाने की कोशिश आपको की है। चलिए ये बच्चों डायग्राम है, अब इस डायग्राम को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर जो सॉल्यूशन है वो हम सॉल्यूशन देखेंगे कि हमें अपने एग्जाम में कैसे लिखना होगा, सॉल्व कैसे करना है ये कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, एग्जाम में कैसे लिखना है ये मैं लिख के दे रहा हूं। तो आप दोनों चीजों को एम्फसाइज करेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट होगा इसको समझाने का, समझना। चलिए देखो बच्चों, ए से बी पे गया तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल की, ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस है सर्कमफ्रेंस का 1/4। सर्कमफ्रेंस होती है 2πr/4, तो ये बच्चों मेरे पास डिस्टेंस आ गई ए से लेकर के बी तक। अब ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस की बात कर रहा है, मैं पहले डिस्टेंस ही बता रहा हूं आपको। तो ए से सी पे वो एरिया एंटी क्लॉकवाइज, यानी आधा सर्कमफ्रेंस उसने ट्रेवल किया, या मैं ऐसे कह सकता हूं 2πr/2 ये आ गया। अब अगर मैं डी की बात करता हूं बच्चों, तो देखिए ए से एंटी क्लॉकवाइज गया है, ये मेरे पास यहां पे आ गया, तो ऐसी स्थिति में 2πr/3 डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। इवन दैट ए से कंप्लीट चक्कर लगा करके फिर ए पे आ जाता है तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी 1 circumference के बराबर, दैट इज 2πr। तो बच्चों मैंने यहां चारों केसेस में आपको एक्चुअल पाथ कवर की बात बताई, डिस्टेंस की बात बताई, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, उसमें है डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अब मैं डिस्प्लेसमेंट आपको समझाना चाहूंगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट में मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बात करनी है, कर देते हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं पता उसने क्या पूछ रखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से डिस्कस कर रहा हूं, ए से लेकर के बी तक का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों ये, थोड़ा सा ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे हम लोग, इसे निकालना बहुत आसान सा काम है। पहले तो डायरेक्शन दे दो, तो ए से बी डायरेक्शन होगी इसकी ये, ठीक है। तो या तो आप कह देंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, या तो फिर आगे चलेंगे तब बताएंगे आपको, समझाएंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सब जान रहा है, ये मेरे पास आर है दे रखा है, ये मेरे पास आर है दे रखा है, अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया स्क्वायर रूट r² + r², दैट इज 2 √ के अंदर बाहर में r। तो ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गई a से लेकर के b तक। अब मैं बात करता हूं a से c तक, तो बच्चों a से c तक सीधे सीधे मुझे यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, तो ये 2r के बराबर हो गया, डायमीटर के बराबर हो गया बच्चों, और डायरेक्शन a से c की तरफ जैसे मैंने ये एरो लगाया, डायरेक्शन में कोई जरूरी नहीं आप एक ही एरो लगाएंगे, आप दो या दो से ज्यादा एरो भी लगा सकते हैं। अब ए से डी पे, ए से डी पे देखो बच्चों ये वाली डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड की बात करो तो देखो ये ऊपर और नीचे दोनों बराबर है, सबको दिख रहा है, ये हो जाएगा √2 × r और डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली। तो बच्चों ये था मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मैं कैसे निकाल सकता हूं। अब ये चीज मेरे को एग्जाम में लिखनी कैसे है ये बात जरा देखो, यहां से देख लेंगे।
ए से बी तक डिस्टेंस की बात है तो 2 पाई आर को 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात है तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था स्क्वायर रूट 2 आर। बच्चों यहां ध्यान रहे, ये स्क्वायर रूट 2 और आर के बीच में थोड़ा गैप देना है, कभी ऐसा ना हो कि ये स्क्वायर रूट वाला साइन आर के ऊपर भी पहुंच जाए। ऐसे ही ए सी और ए डी सारे दे रखे हैं बच्चों, आई होप सो आप लोग इसे कर पाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट की बात अगर मैं यहां दोबारा से करूं, मेरा ए से घूम करके कहां आ गया, ए पे ही वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा इस केस में क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। जहां से गया था वहीं वापस आ गया। मैं ऐसे कह सकता हूं किसी भी क्लोज पाथ के लिए जहां से गया वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट का जीरो होता है। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम लोग बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है, इसको भी जरा एक बार देखेंगे। ए बॉडी ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, जैसे वो कह रहा है वैसे डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए टोटल जर्नी है, टोटल जर्नी सपोज ए से लेकर के सी तक हो रही है और इसका मिड पॉइंट सपोज मैं एम कह देता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस जिसको मैं क्या कह सकता हूं, सपोज मैं आगे क्या ले रखा है, ठीक है एक्स ले रखा है तो एक्स ही ले लेता हूं, एक्स को वी वन वेलोसिटी से ट्रेवल करता है और अगली जो हाफ जर्नी है उसको मैंने अगेन एक्स से डिनोट कर दिया। इसमें जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, वी टू है, ये वेलोसिटी वी टू है। क्या पूछता है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो बच्चों ए की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूं। मुझे क्या करना होगा, मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी 2x हो गया अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्या टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन मैं t लिख देता हूं, यहां पे t की वैल्यू निकाल देता हूं। नो डाउट t भी मेरा क्या होगा, t1 + t2 होगा, यानी पहली जर्नी में जो टाइम लगा है वो t1, दूसरी जर्नी में जो टाइम लगा है वो t2। अब t1 t2 मैं निकाल देता हूं, t1 क्या होगा, ये होगा x अपॉन v1 और t2 क्या होगा बच्चों, अगेन x अपॉन v2। तो आप जो है ये t1 की वैल्यू उठाएंगे, ये t2 की वैल्यू उठाएंगे, यहां डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा, यही चीज कर रखी है यहां पे। पहले उसने t1 निकाला है, फिर उसने t2 निकाला है, दोनों को ऐड किया है एलसीएम लेकर के, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों ये आ गया। अगर आपको याद हो तो यही डेरिवेशन हमने ऊपर भी जब थ्योरी कराई थी तो उसके अंदर किया था। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग काम यही तक करना चाहेंगे, आगे की जो बात है एक्सेलरेशन की उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमने असाइनमेंट में आपको ऐप के अंदर डाले हुए हैं आप उनको करेंगे, उनको नहीं करना चाहते आपके स्कूल से मिले हैं आप उनको कर सकते हैं, आप कोई भी बुक कहीं से भी क्वेश्चंस यहां से कर सकते हैं। जो कमिंग हमारा संडे आएगा उसमें निश्चित रूप से इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। थैंक्स अ लॉट, बी सेफ, कीप सेफ, थैंक यू।